हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रिप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो DJ+B PGT का एग्ज़ाम है या TGT का एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। बहुत सारे लोग आप में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड मंथ क्या हो सकता है एग्ज़ाम का। और दूसरी चीज़ ये है, DJ+B PGT बायोलॉजी की एलिजिबिलिटी को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। देखिए, जो एग्ज़ाम है, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है। ये बात छोड़ दीजिए कि आपको बस आपको टाइम पता चल जाए उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर ले। प्रिपेयर इस तरीके से करें कि आपको रोज़ मेहनत करनी है और जल्द से जल्दी अपना कोर्स कम्प्लीट करके PYQs भी करने हैं, ठीक है। फिर भी अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है, मैंने ऑलरेडी भी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का रिप्लाई दिया है कि विद इन 2 to 3 months हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, DJ+B की अगर बात करें तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि ये लोग एग्ज़ाम कब करें कब ना करें। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम की डेट भी आ जाती है फिर ये उसको पोस्टपोन कर देते हैं, तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं वैसे तो। बट जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो क्यास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि जो एग्ज़ाम है अभी उसमें 2-3 महीने हैं PGT एग्ज़ाम में, और TGT को 1 महीना आप और आगे लगा लीजिए, उसके 1 महीने बाद हो सकता है कि TGT का एग्ज़ाम हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म में भी आप देख रहे हैं कि जैसे PGT के एग्ज़ाम फॉर्म 7 फरवरी तक भरे जाने हैं, और जो TGT के एग्ज़ाम फॉर्म है वो 7 फरवरी से शुरू होंगे भरना, है ना। तो 1 महीने का गैप है, तो यही मान के चलिए कि जब PGT का एग्ज़ाम होगा उसके 1 महीने बाद TGT का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। TGT के एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 महीने हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है, इस अकॉर्डिंग तैयारी करिए। आप सोचिए कि 2 महीने में हो जाएगा, उस हिसाब से अपना सिलेबस फटाफट कवर करिए और अपना PYQs करना शुरू करिए। 2 से 3 महीने मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ जो DJ+B PGT बायोलॉजी की एलिजिबिलिटी की बात है, देखिए अभी तक कोई भी चीज़ साफ़ नहीं हुई है। कल ही मैंने आपको बताया था कि ईमेल भी किया हुआ है, फ़ोन कॉल्स भी वो नहीं उठा रहे हैं, ईमेल का जवाब भी नहीं आया है, तो अभी कुछ नहीं पता लग पा रहा है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये एक रिस्क ले सकते हैं कि आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। और मैंने आपको कल भी ये वाली चीज़ बताई थी कि फ़ीस तो वुमेंस की तो है ही नहीं, मेल्स की 100 रुपीज़ लगनी है, तो आप भर दीजिए फॉर्म। अगर आगे चल के आपको लगता है कि हम एलिजिबल ही नहीं है, बाद में दिक्कत होगी, तो मत दीजिएगा एग्ज़ाम, कोई बात नहीं, है ना। पर ऐसा ना हो कि बाद में पता चले और ये चीज़ क्लियर हो कि एलिजिबल हैं और फिर आपने फॉर्म ही ना भरा हो। तो अगर आप सच में अप्लाई करना चाहते हैं PGT बायोलॉजी के लिए तो आप फॉर्म भर दीजिए, ज़्यादा फीस नहीं है। अगर बाद में हमें पता चलेगा कि एलिजिबल नहीं है लाइफ साइंस वाले तो एग्ज़ाम मत दीजिएगा। पर आपको ऐसा लग रहा है कि सीट भी कम है और एलिजिबिलिटी में भी संशय है इसलिए ना भरे, तो आप मत भरिए। देखिए, ये आपका खुद का डिसीजन है, मैं इसमें आपको कुछ नहीं कह सकती हूँ, है ना। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी पोस्ट बहुत कम है, जैसे आपको ठीक लगे कर लीजिए। बट फिलहाल के लिए अभी पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि जूलॉजी बॉटनी वाले ही एलिजिबल है या लाइफ साइंस वाले भी एलिजिबल है। वहाँ पर फॉर्म में बिल्कुल भी लाइफ साइंस मेंशन नहीं है, बॉटनी जूलॉजी ही दिया हुआ है। अब इसका रीज़न क्या है, उनसे बाय मिस्टेक हो गया, उन्होंने जानबूझ के किया, इसका नहीं पता। चेंजेस कर सकते हैं, वो उनके हाथ में है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं आपको बोली थी, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपके लिए क्या सही है, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।